अब बुलेटिन विस्तार से। कबाली के तेलुगु निर्माता और वितरक कृष्ण प्रसाद चौधरी का ड्रग रैकेट टॉलीवुड हस्तियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। साइबराबाद पुलिस ने गोवा और हैदराबाद में ड्रग पार्टियों में भाग लेने वाले जूनियर कलाकारों, व्यापारियों और पब प्रबंधकों का विवरण एकत्र किया है। टॉलीवुड में हॉट टॉपिक बन चुके ड्रग मामले में केपी चौधरी की जासूसी करने वाले माधापुर एसवीओटी राजेंद्र नगर पुलिस ने उन्हें इसी महीने की 12 तारीख की रात किस्मतपुरा से गिरफ्तार किया था। अपर पल्ली कोर्ट की अनुमति से राजेंद्र नगर पुलिस ने गुरुवार और शुक्रवार को चौधरी को हिरासत में ले लिया है। उनके मोबाइल कॉल डेटा और व्हाट्सएप चैट को डीकोड किया गया और उनके आधार पर विवरण एकत्र किया गया। केपी चौधरी से पूछताछ करने वाली पुलिस को 18 लोगों की सूची मिली। पुलिस ने पुष्टि की कि केपी चौधरी ने 12 लोगों को ड्रग्स सप्लाई की थी। पुलिस ने 11 लोगों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ब्यूरो जुटाया है। चौधरी की कॉल सूची और बिग बॉस फेम आशु रेड्डी, अभिनेत्री सुरेखा वानी और ज्योति के व्हाट्सएप फोन नंबरों की पहचान की गई है। इन सभी को नोटिस देकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने कस्टडी रिपोर्ट में बताया कि केपी चौधरी ने आशु रेड्डी, सुरेखा वानी और ज्योति को सैकड़ों कॉल किए। केपी चौधरी ने कहा कि उनसे जुड़ी विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। ये सभी 6 महीने तक केपी चौधरी के संपर्क में पाए गए। जब चौधरी ने अपने सेल फोन की जानकारी डिकोड की तो पता चला कि उन्होंने व्हाट्सएप डेटा डिलीट कर दिया है। पुलिस ने कहा कि वे डेटा डिलीट करने के पीछे के कारण का पता लगाएंगे। आशु रेड्डी, सुरेखा वानी और ज्योति और 3 अन्य की पहचान केवल संदिग्धों के रूप में की गई है। पुलिस ने पाया कि केपी चौधरी का संबंध रघुतेजा नाम के पैडलर से था, जिसे साइबराबाद पुलिस ने पिछले महीने की 5 तारीख को ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोप में पकड़ा था। साइबराबाद एसवीटी पुलिस की जांच से पता चला कि रघुतेजा को पेडलर चिंता, राकेश और श्रीनिवास रेड्डी से ड्रग्स मिलते थे। हालांकि पुलिस ने कहा कि जुबलीज के स्नेहिता हिल से ताल्लुका रखने वाले सिक्की रेड्डी ने कुछ पार्टियां आयोजित की, उनमें कोकीन का इस्तेमाल किया गया था। खबर है कि इन पार्टियों में केपी चौधरी के साथ फिल्मी हस्तियां और बिजनेसमैन भी शामिल हुए थे। इस क्रम में पुलिस ने कहा कि उन्होंने केपी चौधरी की संपर्क सूची में फिल्म उद्योग के जूनियर कलाकारों और चरित्र कलाकारों के फोन नंबरों की पहचान की। मंत्री तरसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनतनगर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में अनुकरणीय रहा है। मंत्री ने सनतनगर में पदयात्रा की और लोगों की समस्याएं पूछी। तलसानी ने कहा कि जो विकास 50 साल में नहीं हुआ, तेलंगाना बनने के बाद केसीआर के नेतृत्व में सिर्फ 9 साल में विकास हुआ है। तलसानी ने यहां से जीतकर मुख्यमंत्री और मंत्री रहे लोगों की सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान ना देने के लिए आलोचना की। सीएम केसीआर और नगरपालिका मंत्री केटीआर के सहयोग से कई दीर्घकालिक सार्वजनिक समस्याओं का समाधान किया गया है। मंत्री तलसानी ने बताया कि सुभाष नगर में कई लोगों की जान लेने वाली हाई टेंशन बिजली लाइन का मामला भी सुलझ गया है। टीएसपीएससी पेपर लीक और सामूहिक नकल मामले में एसआईटी अधिकारियों ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष महबूब को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि बालानगर मंडल के इंदिरा नगर झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की दुर्दशा की किसी को परवाह नहीं है। विधायक ने कहा कि समस्या का समाधान 60 साल में हुआ, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद 9 साल में समस्या का समाधान हो गया। कृष्णा राव ने स्थानीय पार्षद रविंदर रेड्डी के साथ कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के बालानगर प्रभाग में 4,46,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्यों का आधारशिला रखी। उन्होंने याद दिलाया कि बालानगर मंडल के इंदिरा नगर कॉलोनी निवासियों को अतीत में भाजपा कांग्रेस पार्टियों द्वारा नजरअंदाज किया गया था। सीएम केसीआर की दूरदर्शिता से हम भविष्य में बिना किसी समस्या के भूमिगत जल
पाइपलाइन और जल निकासी व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। विधायक ने स्पष्ट किया कि लोगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के संबंध में बिना किसी कठिनाई के उपाय किए जा रहे हैं। केसीआर हैदराबाद शहर को सभी वर्गों के लोगों के लिए सभी सुविधाओं के साथ रहने योग्य बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र को हजारों करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है और दैनिक आधार पर विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि भाग्यनगर आज बस्ती के कॉरपोरेटर लोगों के लिए काल बन गया है। बीजेपी ने कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र मोसापेट डिवीजन भरतनगर में घर घर भरोसा यात्रा निकाली। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य कुकटपल्ली विधानसभा पलक विजय शांति ने महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। विजय शांति ने लोगों को मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने केसीआर को हटाओ बीजेपी की लाओ कहकर लोगों से शांति और जीत का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना आने के बाद केवल केसीआर के परिवार का ही भला हो रहा है। पूर्व सांसद विवेका हत्याकांड की सीबीआई जांच जारी रहेगी। कड़पा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी इस मामले में हर हफ्ते सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आज भी वह सीबीआई जांच में शामिल हुए। पूर्व सांसद विवेका हत्याकांड की सीबीआई जांच जारी रहेगी। कड़पा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी इस मामले में हर हफ्ते सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आज भी वह सीबीआई जांच में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल तेलंगाना आएंगे व नागर कर्नूल का दौरा करेंगे। पार्टी के प्रदेश विभाग की ओर से कल दौरे के कार्यक्रम का ब्यूरो आलाकमान को भेज दिया जाएगा। नड्डा कल दोपहर 12:45 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। संपर्क से अभियान कार्यक्रम के तहत दोपहर 1:15 से 2:30 तक नड्डा होटल नोवोटेल में समाज के अन्य क्षेत्रों के दो प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। उन्हें मोदी के 9 साल के शासन पर एक मुद्रित पुस्तक दी जाएगी और शासन की शैली के बारे में बताया जाएगा। दोपहर 3 से 4 तक राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव ने सुझाव दिया है कि युवा महिलाओं को ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं का उपयोग करना चाहिए। सुनीता राव संगारेड्डी जिले में महिला कांग्रेस जिला समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इसके बाद संगारेड्डी जिला कांग्रेस समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ग्रामीण स्तर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जीत का लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। सुनीता राव ने साफ किया कि जल्दी प्रियंका गांधी आएंगी और महिला घोषणा पत्र की घोषणा करेंगी। इस कार्यक्रम में डीसीसी अध्यक्ष निर्मला जगारेड्डी, महिला कांग्रेस प्रभारी संवेक नीलम पद्मा, संगारेड्डी जिला समिति के सदस्य, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और महिलाओं ने भाग लिया। रंगारेड्डी जिले के हयतनगर में हिजाब विवाद छिड़ गया है। मुंह पर स्कार्फ बांधकर स्कूल आने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा को स्कूल प्रबंधन ने घर भेज दिया। ऐसा लगता है कि पीड़िता छात्रा हयतनगर कोर्ट के जज की बेटी है। छात्रा के माता पिता ने जी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लड़की के बयान के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मलकपीठ थाने में हाईकोर्ट के वकील ने गुस्से में आकर हंगामा कर दिया। घर के सामने कूड़ा फेंकने को लेकर उसने एक महिला और युवक पर हमला कर दिया। एंटनी रेड्डी उर्फ क्रांति रेड्डी का परिवार मुश्रमबाग में साईनगर कॉल रेजिडेंसी में रहता है। शहर के फिल्म नगर में एक दुखद घटना घटी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक मां ने अपने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। शिरीषा नाम की महिला ने भी ससुराल वालों की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाने पर अपने बेटे मनीष को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि वह फिलहाल 3 की गर्भवती थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया। शिरीषा की मां और की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की मां ने गुहार लगाते हुए कहा कि वे उसकी बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। जब भी उसे पैसे दिए जाते थे तो उसे बार बार लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। बताया जाता है कि कल्याण लक्ष्मी के पैसे भी उसके ससुराल वालों ने ले लिए थे और शादी के वक्त 8 का दहेज भी दिया था। आरोप है कि पैसों के लिए पीटने की वजह से आत्महत्या को अंजाम दिया गया है। अपने माता पिता को कुछ दिनों के मेहमान कहकर एक युवती से लाखों का सोना हड़पने वाले युवक को जेल भेज दिया गया है। घटना शहर के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।
पुलिस ने बताया कि करीमनगर जिले के गोदावरी खानी का रहने वाला साई कुमार नाम का युवक आवारा गर्दी करता था और इधर उधर घूम रहा था। 3 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से वह नंदिनी के संपर्क में आया जो उसी इलाके में रहती है और बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। साई कुमार हाल ही में उसे मिला। उसने यह बोला कि उसके माता पिता मौत के बीच झूल रहे हैं। साई कुमार की बातों में पिघली युवती ने उसे अपनी माँ सूर्या प्रभा के 24 तोला सोने के आभूषण दिए और उसे प्रतिज्ञा के रूप में पैसे लेने और अपने माता पिता की जान बचाने की सलाह दी। हालांकि साई कुमार इंस्टाग्राम पर स्पाई नेविगेटर नामक एक ऑनलाइन गेम पर दावा लगाकर पैसे हार गया और वो गोदावरी खाने की और भाग गया। इस बीच 2 दिन पहले युवती की मां सूर्या प्रभा ने कहा कि असली मामला तब सामने आया जब उसके अलमारी में जो गहने होने चाहिए थे वह नहीं मिले। जुबली हिल्स पुलिस ने खुलासा किया कि सूर्या प्रभा ने साई कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने इसे अपने माता पिता को इलाज के लिए दिया था। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 424 और 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कई नेता रणनीति बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिले के कई बीआरएस नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी संयुक्त आदिलाबाद जिले में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में विभिन्न कारणों से कई ट्रेनें रद्द हो रही है। ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव कार्यों के कारण दक्षिण मध्य रेलवे में अन्य 36 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से वनडे सीरीज शुरू होंगे। भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा 12 जुलाई से शुरू होगा। पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी और उसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी। हाल ही में बीसीसीआई ने एक अहम घोषणा की है। भारत ने वेस्टइंडीज से भिड़ने के लिए वनडे टीम की घोषणा कर दी है। वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने भविष्य की टीम को आकार देने के लिए कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों का भी चयन किया है। अंतिम टीम में ऋतुराज गायकवाड़, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक और मुकेश कुमार को चुना गया। टीम इंडिया के नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत के वनडे विश्व कप तक फिटनेस हासिल करने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में आईपीएल में कप्तान और बल्लेबाज के रूप में लोकप्रिय रहे संजू सैमसन को फाइनल टीम में चुना गया है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल हमेशा की तरह ओपनर होंगे, जहां विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन मध्य क्रम में जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर फिनिशर होंगे। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, चहल और कुलदीप यादव स्पिनर बने हुए हैं। तेज गेंदबाजी विभाग का नेतृत्व सिराज उनादकट, उमरान मलिक और मुकेश कुमार करेंगे। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी तेलंगाना के 8 जिलों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार को उन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई जहां शनिवार और रविवार को बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाला, निर्मल, करीमनगर, पेद्दपल्ली, भूपालापल्ली और मुलुगु जिलों में शनिवार को 115.6 से 204.4 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। राज्य के विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां हर जगह मुद्दा उठा रही है जिस पर राजनीति की जा सकती है और साथ ही उससे चुनाव में फायदा होने का अंदेशा दिखाई दे। ऐसा ही एक मुद्दा सिंगरेणी कोलियरीज के निजीकरण का है, तो आइए इसी विषय पर रोशनी डालते हैं।